श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पहला। तिगु तिना का जीविया जी लिखी लिखी वेची नाऊं, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े किया थाऊं। सच्चे सर में बाहरे अगे लई न दादी, अकली ऐना आखिए अकली गवाई वादी। अकली साहिबू सेविए अकली पाइए मानू, अकली पड़ी के बुझिए अकली की चेतानू। उन लोगों का जीवन धिक्कार हो जो हरि नाम लिख लिख करके बेचते हैं। त्रिगु तिन्ना का जीविया जे लिखी लिखी वेची नाऊ, उन पंडितों मुल्लाओं पर चोट है जो जंत्र मंत्र और तावीज लिखते हैं और धन कमाते हैं। जो साथ साथ अपनी खेती उजाड़ते हैं, गहाई के समय उनके पास कुछ नहीं बचा होगा, अर्थात वे जो कमाई करते हैं उसका सफल तो बेच देते हैं, उसका जो सुफल है वो बेच देते हैं, अंतकाल उनके पास कौन सा पुण्य बचा रहेगा। खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े किया था हूं, सच्चे सर में बाहरे अगे लई न दादी, अकली ऐना आखिए अकली गवाही वादी। सच्चाई और श्रम साधना के बिना प्रभु के दरबार में उसकी कोई कदर नहीं होती है। योग्यता उसे नहीं कहते जो तर्क वितर्क में समय गवा दे। योग्यता से प्रभु की सेवा करो और सम्मान प्राप्त करो, यही योग्यता का गुण है। योग्यता और बुद्धि द्वारा पढ़ लिख करके तत्व को समझो और योग्य पात्र को ही दान दो। अकली साहिबू सेविए अकली पाइए मानू, अकली पड़ी के बुझिए अकली कीचे दानू। गुरु नानक जी कहते हैं कि यही एकमात्र अध्यात्म मार्ग है, शेष सब कर्म शैतानी मायावी है। नानकू आखे राहु एहू होरी गल्ला शैतानू। जैसा करे कहावे तैसा ऐसी बनी जरूरती, होमी लिंग चिंड ना होमी ऐही कहिए सूरती। जो ओसु इच्छे सो फल पावे तन नानका कहिए मूर्ति। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे आचरण करे जीव अपने को वैसा ही कहलाए। जैसा करे कहावे तैसा ऐसो बनी जरूरती। सुंदर रूप गुणों के आकर्षण आकार में है, अवगुण रूप विकलांगता में नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सम्मानीय मूर्ति व्यक्ति वे हैं जो प्रभु हरि को प्रसन्न करके मनोवांछित फलों को प्राप्त कर सके। जो उस इच्छे सो फल पावे तन नानका कहिए मूर्ति। पाढ़ी सतगुर अमृत बिरखू है, अमृत रसी के फलिया जिसो प्राप्ति सो लहे गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाने जो चले हरि सेती रलिया, जमकालू जोई न सकी कटी चाननू बलिया। नानक बक्सी मिलाए नू फिरी गर्भी न गलिया। सतगुर अमृत का वृक्ष है, अमृत फल उसमें लगते हैं जिसे परमात्मा हरि की ओर से वह फल प्राप्त है, वही गुरु के उपदेश द्वारा उसे पाता है। सतगुरु अमृत विरखु है, अमृत रसी फलिया जिसो प्राप्ति सो सहे गुर शब्दी मिलिया। वही गुरु के उपदेश द्वारा उसे पाता है, जो सतगुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं वे हरि प्रभु के संग लीन हो जाते हैं
उसे यमदूत कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते, उसके अंतर मन में आलोक होता है। जमकालू जोई ना सकी कटी चानन बलिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु उसे बख्श करके अपने में विलीन कर लेता है, दोबारा वह गर्भ में नहीं पड़ता है, अर्थात उसका आवागमन चुक जाता है। नानक बख्शी मिलायनु फिरी गर्भी ना गलिया। श्लोक मेला पहला, सच्चु वतु संतोखु तीर्थु ज्ञानो ध्यानो इस नानो, दया देवता खिम्मा जप माली ते मानस प्रदान, जुगती तोती सुरती चौंका दिल को करनी हुई, पाऊं भोजनो नानका विरला ना कोई कोई, जो जीव सत्य का व्रत उपवास संतोष का तीर्थ ज्ञान का ध्यान स्नान करके क्षमा की जप माला से दया के देवता का पूजन करते हैं, वे प्रभु के दरबार में सम्मानित होते हैं। सच्चो वर्तो संतोखो तीर्थो ज्ञानो त्यानो इस नानो, दया देवता खिम्मा जप माली ते मानस प्रदान, जिनकी धोती युक्ति की चौका सुक्ति का तथा तिलक आचरण का होता है, गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा भाव भोजन करने वाला जीव कोई विरला ही होता है। जुगती तोती सोती चौका तिलको करनी हुई, पाऊ भोजनो नानका बिरला तक कोई कोई। मेला तीजा, नौमी नेमू सचु जे करे काम क्रोधो तृष्णा उचरे, दसवीं दसे द्वार जे ठाके एकादशी एको करी जाने, द्वादशी पंच वस गति करी रखे तो नानक मनुमाने, ऐसा वर्तु रही जे पाड़े होर बहुत सिख किया दीजे। सत्य को नियम बना करके जो नवी मनाए, काम क्रोध और तृष्णा का त्याग कर दे, दसों द्वारों को संयत करके दसवीं का रहस्य समझे, और एक प्रभु में विश्वास बना करके एकादशी का व्रत करे, और द्वादशी मनाने के लिए पांचों विकारों को वश में करे, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि वह प्रभु को स्वीकार होता है। ऐ पंडित जनो, कर्म कांडी पंडित हो, ऐसा व्रत करो। और अधिक शिक्षा देने से क्या होता है, ऐसा व्रत रही जे पांडे और बतु सिख की याद दीजे। पौरी भूपति राजे रंग राई संची विखो माया, करी करी तू वधाई दे पर दर्दो चुराया, पुत्र कलत्र न बिसही बहु प्रीति लगाया, वेदया ही माया तो ही गई पछु तो ही पछताया, जमदरी बद्दे मारी अही नानक हरी पाया। पृथ्वीपति राजा और रंक सब माया का संचय करते हैं, संचय कर करके उसमें मोह बढ़ाते हैं और पर द्रव्य चुराते हैं, पुत्र स्त्री आदि पर भी विश्वास नहीं करते हैं, केवल माया से प्रीति करते हैं। भूपति राजे रंग रही संची विखो माया, करी करी ये तू वधाई दे पर दर्दु चुराया, पुत्र कलत्र न बिसी बहु प्रीति लगाया, पुत्र स्त्री आदि पर भी विश्वास नहीं करते, केवल माया से प्रीति करते हैं, देखते देखते माया ठग लेती और वे पछताते रह जाते। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे प्रभु इच्छा से यमदूतों द्वारा दंडित होते हैं, वेखते ही माया तो ही गई पछु ताही पछुताया, जम दरी बद्दे मारी अही नानक हरी पाया।
श्लोक मिला पहला, ज्ञान विहीना गावे गीत, भुखे मुल्ला करे मसीती, मख्त होई के कन्न पढ़ाए, फकरू करे होरो जाति गवाए, गुर पीर सदाए मंगन जाई, ताके मुली न लगिए पाई, काली खाई किछु अथु देई, ननक राखो पछानी से। ज्ञान विहीन पंडित सस्वर प्रभु के गीत गाते हैं। मुल्ला घर को ही मस्जिद बना करके चिढ़ावे लेते हैं, योगी निर उद्यमी होकर के कान फड़वा लेते हैं, फकीर बनकर के अपनी तथा दूसरों की जाति गवा देते हैं, गुरु और पीर कहलवाते हैं किंतु भिक्षा भिक्षा मांगते फिरते हैं, ऐसे सब लोगों के चरण भी छूने योग्य नहीं है, इनके चरण कभी मत छू। जो मेहनत करके कमा करके खाता है और जरूरत पड़ने पर दूसरों की भी सहायता करता है, गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसा कोई विरला जीव ही राह पहचानता है। काली खाई किछु अथु देई, नानक राह पछना पछानी से। मनु जे अंधे कोप कया, बिरदु ना जान नहीं, मनि अंधे उंधे कवली दिसन्नी, खरे करूप इक्की कही जान ही, कहया बुज्जी ते नर सुगड़ स्वरूप, इकना नाद ना वेदना, गे रसु रस कस ना जानती, इकना सुधि न बुद्धि न अकली, सर अखर का प्रेम न लहंती, नानक से नर असली, खजी बिनु गुण गर्व करती। मन में अंधे कूप के समान अज्ञानी है, मन से अंधे कूप के समान अज्ञानी है, अपने ही बताए उपदेश की उन्हें लाज नहीं होती है। मन अज्ञानी तथा हृदय कमल धर्म के उल्टे होने के कारण कुटिल होते हैं। जो एक प्रभु को पहचानते हैं तथा गुरु का कथन स्वीकारते हैं, वे मनुष्य विवेकी और योग्य होते हैं, किंतु जिन्हें नाद ज्ञान योगी, वेद ज्ञान ज्ञानी तथा गय रस अर्थात रागी नहीं, तथा जो मीठा कसैला रस भाव नहीं जानते, जिन्हें शुद्धि बुद्धि का या सूझबूझ खोज खबर नहीं है, एक अक्षर का भी भेद नहीं जानते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि वे मनुष्य गुण विहीन होकर भी गर्व करते हैं, अतः वास्तव में गधे के समान। एक ना सुधि न बुद्धि न अकली, सर अखर का पेहू न लहती, नानक से नर असली, खर जी की खर जी बिनु गुण गर्भ करती। पौड़ी गुरमुखी सब पवतु है, तनु संपे माया, हरि अर्थी जो खर्च दे, दिन दे सुख पाया, जो हरि न मुत्यां दे, तिन तोटी न आया, गुरमुखा नदरी आवता, माया सुट्टी पाया, नानक भगता औरु चिति नामी, हरि नामी समाया। गुरु उपदेश के अनुसार आचरण करने वाले के लिए धन संपत्ति आदि सब पवित्र, वे हरि के मार्ग पर व्यय करते एम अपने धन से दूसरों को सुख पहुंचाते, इसलिए हरि नाम का ध्यान करने वाले को कभी कमी नहीं होती। गुरुमुखों को प्रभु की अनुभूति होती है, अतः वे माया को पसंद नहीं करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि भक्तों के हृदय में प्रभु के अतिरिक्त और कुछ आता ही नहीं, वे सदा हरि नाम में लीन रहते।
जो हरि नामु ध्यांदे तिन तोटी न आया, गुरमुखा नदरी आवदा माया सुटी पाया। नानक भगता और चिति नामी हरि नामी समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुरु सेवनी सेवड़ भागी सच्चे शब्दी जिना इक लिव लागी, गृह कुटुंब में सहज समाधि नानक नामी रते से सच्चे बैरागी। सतगुरु की सेवा का अवसर पा जाने वाले भाग्यशाली होते हैं। सतगुरु सेवनी सेवड़ भागी, वे सदैव सच्चे शब्द में लीन रहते हैं। गृहस्थी परिवार में रहते हुए भी वे सहज समाधि में आनंद मनाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम नाम में लीन होते हैं वे ही सच्चे अन आसक्त कहे जा सकते हैं। सच्चे शब्दी जिन्ना एक लाभगी, गिरह कुटुंब में सहजी समाधि नानक नामी रते से सच्चे वैरागी। गंते सेव न होई कीता थाई न पाई, शब्दे साधु न आयो सच्ची न लगी पाऊ। सतगुर प्यारा न लगी मन अठी आवे जाई, जे एक विख अगाहा परे ता दस विखा पिछाहा जाई। सतगुर की सेवा चाकरी जे चली सतगुर पाई, आपू गवाया सतगुर नू मिले सहज रहे समाई। नानक तिन्ना नाम न विसरे सच्चे मेल मिलाई। गणना करते रहने से प्रभु सेवा सफल नहीं होती है। जीव उस गहन परमात्मा की गहराई नहीं पा सकता। गंते सेव न होमी किता थाई न पाई, शब्दे साधु न आयो सच्ची न लगी पाऊं। जिसे प्रभु के शब्द का रस नहीं मिला, तत्व में कभी प्यार नहीं बना, सतगुरु को जिसने नहीं चाह वह मनोविकारों के कारण आवागमन में पड़ा रहता है। ऐसा जीव एक कदम आगे लेता भी है तो 10 कदम पीछे खिसक जाता है। यदि वह सतगुरु की सेवा में संलग्न हो और उसी की इच्छा के अनुसार आचरण करे तो उसमें से अहम वाद को जाएगा और वह अटल आनंद समाधि में लीन हो जाएगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि उन्हें प्रभु नाम कभी विस्मृत नहीं होता, वह सत्य स्वरूप प्रभु से मिलाप प्राप्त कर लेता है। आपो गवाई सतगुरु नु मिले सहजे रे समाई, नानक तिन्ना नाम ना विसरे सच्चे मेल मिलाई। पौड़ी। खान मलुक कहाई दे को रहन न पाई, कण मंदर गच गिरिया किच्छो साथ न जाई। सोई नि शक्ति पवन बेग त्रिगु त्रिगु चतराई, छत्ती अमृत प्रकार करी बहु मैल पताई। नानक जो देवे तिसी ना जाननी, मनमुखी दुख पाई। जो बड़े बड़े सरदार अधिकारी और सम्राट कहलाते हैं उनमें से कोई बचने वाला नहीं है। उनके गढ़ प्रसाद और पक्की इमारतें भी साथ जाने वाली नहीं है। उनकी घोड़े जैसी तेजी और सोने की काठियों और चतराइयों को धिक्कार है। 36 प्रकार के भोजन करके भी वह मैल बढ़ाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे ऐसे स्वेच्छाचारी जीव होते हैं कि सब कुछ देने वाले को भी नहीं पहचानते हैं और इसलिए दुख पाते हैं। 36 अमृत प्रकार करी बहु मैलू बधाई, नानक जो देवे तिसी न जाननी, मनमुखी दुख पाई। श्लोक मैला तीजा। पढ़ी पढ़ी पंडित मोनी थके,
ਤੇ ਸੰਤਰ ਪਵੀ ਥੱਕੇ ਪੇਖ ਤਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਈਨੀ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਭਾਰੀ। ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਸੇਵੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਹੁਹਾਰੀ। ਅੰਤਰੀ ਕਪਟੋ ਉਧਰੋਂ ਮਰਨਾ ਭਰ ਨ ਕੇ ਤਾਈ ਪਾਠ ਪੜੀ ਗਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਹੈ ਬੁੱਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਪੰਡਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੁਨੀ ਨਿਰਵਸਨ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੇਸ਼ਧਾਰੀ ਸਾਧੋ ਘੁਮੱਕੜੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿੰਤੂ ਸੱਤ ਕੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁਨੀ ਥੱਕੇ ਦੇ ਸੰਤਰ ਪਵੀ ਥੱਕੇ ਪੇਖ ਤਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਨਾਉ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨੀ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਭਾਰੀ। ਦ੍ਵੈਤ ਭਾਵ ਮੇਂ ਲੀਨ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਭੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ। ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਸਹਿਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮੇਂ ਸੰਲਗਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਤੇ। ਪੇਟ ਭਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਗਵਾਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪਾਏ ਪਾਠ ਰਟ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਭੀਤਰ ਸੇ ਅਹਿਮ ਭਾਵ ਕੋ ਹਟਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨਾਮ ਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਕੋ ਸਮਝਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਉਪਾਏ ਜਿਨ ਅੰਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਇੱਕੋ ਨਾਉ ਹੈ ਪੁੱਜੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਂਗੇ ਆਵਨਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਹਰੀ ਹੁਕਮੋ ਪਾਇਆ ਕੀ ਆ ਕੀਜੇ। ਜਿਸਕੀ ਵਸਤੂ ਸੋਈ ਲਿਜਾਏ ਨਾ ਜਿਸਕੀ ਵਸਤੂ ਸੋ ਲਿਜਾਏਗਾ ਰੋਸੂ ਕਿਸੇ ਸੀਓ ਕੀਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰੀ ਰਸੁ ਪੀਜੇ। ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੇ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਔਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸਮੇਂ ਕਿਆ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਵਹਿ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸਮੇਂ ਕਿਸੀ ਪਰ ਕਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਗਾ। ਜੋ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮੇਂ ਚਲਤੇ ਹੈ ਵੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹਰੀ ਰਸ ਕਾ ਪਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਔਰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਸ ਮੇਂ ਲਿਪਤ ਰੱਖੋ। ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰੀ ਰਸੁ ਪੀਜੇ। ਪੌੜੀ ਕੜੀ ਕਾਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁ ਬਾਤੀਰ ਬਣਾਈ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਤੀਫੀਆ ਪੈਰੀ ਤਰਮਾਈ। ਲਾਲ ਸੁਪੇਦ ਦੁਲੀਚੀਆ ਬਹੁ ਸਵਾ ਬਣਾਈ। ਦੁੱਖੋ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖੋ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੇ ਗਰਬਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤੀ ਲੈ ਛੜਾਈ। ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦੁਰਗ ਮੇਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਸਭਾ ਭਵਨ ਮੇਂ ਖੋਬ ਲਾਲ ਸਫੇਦ ਗਲੀਚੇ ਬਿਛਾਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਂ ਖਾਣਾ ਭੋਗਣਾ ਸਭ ਦੁਖਤ ਹੀ ਰਹਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਜੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਂ ਨਿਰਵਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਦੁੱਖੋ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖੋ ਭੋਗਣਾ ਗਰਬੇ ਗਰਬਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਅੰਤੀ ਲੈ ਛੜਾਈ।
श्लोक मेला पहला सहजे सुखी सुती सद्धि समाई आपे प्रभ मेरी लई गली लाई दुविधा चुकी सहज सबाई अंतरी नामो वस्या मनाई से कंठी लाए जे पनी तराए नानक जो तुर मिले से हुनी आन मिलाए। पूर्ण सुख में जो स्वता सहज अवस्था में लीन होता है परमात्मा उसे अपने संग मिला करके गले से लगा लेता है। सहजे सुखी सुती सब्दी सबाई आपे प्रभु मेली लय गली लाई उसकी दुविधाओं का अंत होता है तथा वह सहज स्वभावी सरल चित्त बन जाता है। उसके अंतर मन में हरि नाम का वास होता है। दुविधा चुकी सैव सवाई अंतरी नामो वस्या मन आई से कंठी लाए जे पनी तड़ाए नानक जो तुर मिले से उन्हें अनि मिलाए। फिर उन्हें मन को संयत कर लिया है प्रभु हरि ने उन्हें कंठ लगाया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिनके भाग्य में मिलन का आयोजन होता है वे हरि द्वारा अपने में मिला लिए जाते हैं। जिन्हें नाम विसारिया किया तपू जापी होरी विष्टा अंतरी कीट से मुठे तंदे चोरी नानक नाम ना विसरे चुठे लाल चोरी। जो हरि नाम को विस्मृत करके द्वैत भावी जाप जपते हैं वे विष्टा के कीड़े के समान है और कपट पूर्ण में वार से संलग्न रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम का दामन नहीं पकड़ते। मिथ्या लोभ मोह में जकड़े रहते हैं। विष्टा अंदरी कीट से मुठे तंदे चोरी नानक नाम ना विसरे झूठे लाल होरी पौड़ी नाम सनानी नामो मणि अस्थिरो जगी सोई इदे हरि हरि चितवे दूजा नहीं कोई रोमी रोमी हरि उचरे खिनु खिनु हरि सोई गुरमुखी जन्मो स्कार था निर्मल मलु होई खोई नानक जीवदा पुरखु त्याईदा अमर पतु होई। जो नाम का गुण गान करते हैं हरि नाम का मनन करते हैं संसार में वे स्थिर है। वे हृदय में हरि हरि नाम ही धारण करते हैं उनमें से कोई द्वैत नहीं होते। नामो सलाही नामो मणि अस्थिरो जगी सोई इदे हरि हरि चितवे दूजा नहीं कोई। उसमें कोई द्वैत नहीं होता है। उसका रोम रोम हरि नाम उच्चारण करता है और शन शन हरि सिमरते हैं। वे गुरु के द्वारा जन्म सार्थक करते हैं और भीतर की ममता को दूर कर लेते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार जो परम पुरुष का ध्यान करते हैं वे अमर पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नानक जीवदा पुरखु त्याईदा अमरा पद होई।